वेरी वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द टाइम। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको अपनी बाइक का एयर फिल्टर क्लीन करके दिखाया, उसी तरीके से आज मैं आप लोगों को अपनी बाइक का स्पार्क प्लग क्लीन करके दिखाऊंगा। ओके, इसमें दो स्पार्क प्लग होते हैं, दोनों को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि चलते चलते इसमें भी कार्बन पकड़ लेता है। ओके, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपनी बाइक का स्पार्क प्लग क्लीन करके। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पल्सर के अंदर दो स्पार्क प्लग होते हैं। ओके, एक इस साइड और दूसरा इसके ऑपोजिट साइड। तो सबसे पहले हम अपने स्पार्क प्लग को खोल लेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, ये हम इसको पुल आउट कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, ये बाहर आ गया और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर होता है यहाँ पे एक स्पार्क प्लग। ओके, अब इसको हम इसके थ्रू इस तरीके से अंदर डाल के इसको खोल लेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको खोल के, ये इस तरीके से बड़े प्यार से खुल जाता है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, कितना डस्ट है इस पे, ये बिल्कुल ही काला हो गया। हमें इसे ही साफ करना है, इसको बिल्कुल क्लीन करके लेना है। ओके, इसको क्लीन कैसे करेंगे, पहले हम दूसरा भी खोल लेते हैं। ओके, इसको साइड में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरा स्पार्क प्लग हमारा इस साइड में होता है। ओके, इसको भी हम उसी तरीके से देखिए पुल आउट कर लेते हैं, खुल गया। ओके, और इसको भी हम इसी के थ्रू इस तरीके से खोल लेंगे। चलिए इसको भी खोल देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल ही काला हो गया है, बहुत ज्यादा डस्ट है इसमें भी। तो इसी की वजह से हमारी बाइक जो है बार बार बंद होती रहती है। ओके, तो इसको भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी क्लीन कर लेते हैं, और इसको क्लीन कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, अपने स्पार्क प्लग क्लीन करने के लिए मैं यूज करूंगा ये रेगमाल, वैसे इसको सैंड पेपर का, तो इसी के थ्रू हम इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम अपने स्पार्क प्लग को कपड़े से साफ कर लेते हैं। ओके, ये देखिए इस तरीके से, जो भी साफ हो जाए, जितना भी साफ हो जाए। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने एक को क्लीन कर लिया, अब इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी क्लीन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से भी आप अपने स्पार्क प्लग को क्लीन कर सकते हैं। ओके, तो अब ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। चलिए अब मैं इसको अपनी बाइक में वापस इंस्टॉल कर देता हूँ। इनको इंस्टॉल करने से पहले वापस हम इसको पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं कपड़े के अंदर तक इस तरीके से। चलिए ये क्लीन हो गया, अब हम इस स्पार्क प्लग को इस तरीके से इसके अंदर में और इसी की हेल्प से
गया। अभी मैंने एक स्पार्क प्लग लगाया, इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्क प्लग को भी लगा लेंगे। और इसी की हेल्प से हम इसको टाइट कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से पुश करके इसमें अटैच करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।